आपका अपना दैनिक कागज न्यूज यूट्यूब चैनल। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आपके मोबाइल पर दिया जा रहा है। मैं शरण्याबाद नागौर शरीफ से आया हूं और आज मुसलमानों के दूसरे खलीफा और अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाहु तआला अन्हु का दिन है और उसी मुनासबत से इहायत नूर दरगाह शरीफ अजमेर शरीफ में प्रोग्राम का इनेकाद हो रहा है। दरअसल खुलफाए राशिदीन यानी हज़रत बकर सिद्दीक, हज़रत फारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत मौलाए कायनात रदी अल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे कुछ सहाबा और अहले बैत किराम के यौम विसाल के मौके पर यहाँ पर यह महफिल मुनक़िद होती है। ये अंजुमन सैयद ज़ादगान की तरफ से दरगाह शरीफ के मामूलात में शामिल है। वो बहुत बड़े अकलमंद थे, पूरी ज़िंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशीर ख़ास भी रहे और उनकी अकलमंदी का हाल ये था कि उनके मशवरों के मुताबिक कभी कभार कुरान पाक की आयतें नाजिल हो जाया करती। उनका इस्लाम पर बहुत बड़ा एहसान है और उनका निज़ाम हुकूमत एक मिसाली निज़ाम हुकूमत है जो पूरी कायनात के लिए आइडियल की हैसियत रखता है। रे महापाप जहां